दोस्तों, मैं आया हूँ दूसरी जगह रहने और यहाँ सुबह के 5:45 हो रहे हैं और आप यहाँ सामने देख सकते हैं ग्रैंड तमन्ना होटल, यही रह रहा हूँ मैं इसके बगल में। और ये जो है ये हमारा TCG का बिल्डिंग है और मैं भी TCG के बिल्डिंग में ही रह रहा हूँ अपोजिट में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम जो है कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा है मौसम, बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों ये है हमारा बिल्डिंग, ठीक है, द क्राउन ग्रीन्स नाम है इसका और यहाँ मैं रह रहा हूँ। ये TCG का बिल्डिंग है दोस्तों, रियल एस्टेट, और ठीक अपोजिट में एक और बिल्डिंग है, ये भी TCG का ही है, ठीक है, और यहीं मैं रह रहा हूँ। यहाँ से बगल में ही पड़ता है आपका विप्रो, ये इन्फोसिस सर्कल, ये हिंजेवाड़ी फेज 2 में है। और यहाँ से मैं आपको आगे फेज 3 की ओर आ जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ फेज 3 में और क्या क्या चीज़ें हैं, या फेज 2 से फेज 3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर अप करूँगा। और सामान की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब ये जो बिल्डिंग था, ये दोनों बिल्डिंग के अगल बगल कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों आपको खाने पीने की चीज़ें, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। और अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं या फिर आप कुछ नॉर्मल ग्रॉसरीज के सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको TCG बिल्डिंग के अंदर ही एक छोटा सा शॉप मार्ट है, एकदम छोटा सा, और जो इमरजेंसी की चीज़ें होती है वो आपको उसमें मिल जाएंगी, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, आपको आलू बैंगन प्याज, छोटा मोटा चीज़ें अगर है, ठीक है, आपको एकदम इमरजेंसी में चाहिए तो आपको TCG के बिल्डिंग के अंदर ही एक छोटा सा शॉप बना के रखा है इन लोगों ने और वहीं पर आपको मिलेगा दोस्तों। और ये है हमारा क्यूटी टॉमी, ये हमारा हमारे साथ चल रहा है, आ जा, ये देखिए ये हमारे साथ चल रहा है, ये हमें पीछा नहीं छोड़ रहा है। और ये है सयाद्री, ठीक है, बगल में ही सयाद्री है। ये जो है ये आपका लड़कियों के लिए है, PG गेस्ट आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, और सिर्फ लेडीज़ के लिए है ये। और मतलब अभी सुबह के अराउंड 6:10 हुए हैं और आप देख सकते हैं ये मेरे साथ ही चल रहा है और ये छोड़ नहीं रहा है। और आई थिंक ये देखिए आगे जो कुत्तों का एरिया है ये इनके एरिया में पड़ता है और अब शायद ये आगे नहीं जाएगा, पर देखते हैं, ठीक है। और यहाँ बहुत ही अगर देखा जाए तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और ये देखिए धीरे धीरे कों कों कर रहा है और डर रहा है इसके एरिया में, ये अपने अपना एरिया में, चलो जा 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 नहीं रहा है दोस्तों, एकदम साथ में पड़ा हुआ है, ठीक है। और आई थिंक अभी भी ये छोड़ नहीं रहा है, एवेन्यू का है, मे बी हमारे साथ चल रहा होगा तो इसको डर नहीं है, ठीक है। और इधर देख सकते हैं छोटा मोटा इन लोगों ने ढाबा खोला है कि ताकि थोड़ी बहुत इनकम हो जाए, तो जो भी TCG बिल्डिंग से लोग आए तो इधर अपना खाना वाना जो भी है अपना यहाँ से अरेंजमेंट करा सके या फिर टिफ़िन ऑर्डर है वो ले सके। ये देखिए महक करके इन लोगों ने डाला है ऐसा पोस्टर, ये हमारे साथ एकदम कंटिन्यू ही चल रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और काफ़ी दूर हम लोग निकल गए हैं, अप्रॉक्स 500 मीटर, और ये पीछा नहीं छोड़ेगा आज, ठीक है। और थोड़ा सा आप अगर आगे आते हैं तो ये है आपका सनबीम का बिल्डिंग, ठीक है, ये है सनबीम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ जो होता है, यहाँ आपके CDEC के अगर कोर्सेज जो भी आप सीखना चाहें CDEC रिलेटेड कोर्सेज वो आपको इस बिल्डिंग में सिखाए जाते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि कभी कभी TCG वाले बिल्डिंग में लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं रहने आते हैं, वहाँ अगर किसी को CDEC के कोर्सेज सीखने हैं तो लोग वहाँ भी इसी पर्पज़ से आते हैं और यहाँ पर आकर वो लोग कोर्स करते हैं दोस्तों। तो ये मतलब ऐसा देखा गया है कि लोग यहाँ CDEC के कोर्सेज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और ये जो बस है जो सामने से जा रही है ये आपका हिंजेवाड़ी फेज 3 की ओर ही जा रही है ये बस, ठीक है। और इधर एक और है ढाबा यहाँ पे दोस्तों, अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो TCG के बगल में, तो यहाँ है बगल में एक, ये देखिए गायत्री चाइनीज़ सेंटर, मैं थोड़ा जूम करा देता हूँ,
ये देखिए, ये है गायत्री चाइनीज़ सेंटर। यहाँ पे आपको जो रेंज है वो आपको अच्छे रेंज में मिल जाएंगे दोस्तों। खाने पीने की सुविधा यहाँ आपको अराउंड मतलब 60 रुपीज़ में आपको नॉनवेज आपका मिल जाएगा। 60 रुपीज़ में हाफ आपका रहेगा, रोटी या फिर चावल उसके साथ नॉनवेज, या फिर आपको साथ ही साथ आपको यहाँ पर वेज फ्राइड राइस मिल जाएगा 60 रुपीज़ में। आपको अगर नॉर्मल खाना खाना है तो आपको रोटी सब्जी भी मिल जाएगी। तो ये जगह लोग आते हैं, प्रेफर करते हैं, और ज़्यादा नहीं प्राइस है, मतलब 60 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ के आसपास में आप एक टाइम का खाना जो है वो आराम से खा सकते हैं दोस्तों। और मेरे हिसाब से ये ठीक प्राइस है, ज़्यादा है भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। कल मैंने यहाँ ट्राई किया था, थोड़ा स्पाइसी था बट ओवरऑल टेस्ट वॉज गुड। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप PCG बिल्डिंग में हैं तो आप इधर ही आकर खाना खा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, क्या किया जाए, ठीक है। और ये देखिए हमारा टॉमी, ये हमारे साथ ही आ रहा है और डर से नहीं आता है अगर मैं पीछे आता हूँ तो, और जैसे ही आगे आता हूँ ये वापस आता है। ये देखिए वापस आ रहा है और मुझे देख के ही डर जाता है ये, और डर से आता नहीं है, ठीक है। तो इसको भी घूमने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे साथ ही, तो ठीक है इसको लेके चलते हैं। चल 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 चल, आ जा। ये देखो आप, ये काफ़ी देर से है हमारे पीछे। और थोड़ा सा आप और आगे अगर Phase 2 से Phase 3 की ओर जाओगे तो ये देखो आपको थोड़े थोड़े अपार्टमेंट्स दिखेंगे। ये देखो इधर के जो अपार्टमेंट्स हैं, ये भी इसमें भी फ्लैट्स अवेलेबल हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आप ये फ्लैट्स लेना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो। ऑनलाइन अप्लाई इन द सेंस आपको इसके पोर्टल एंड ऑल उसमें अप्लाई नहीं करना है, आप फेसबुक पे डाल दो, ठीक है। और इसमें अगर वैकेंसी निकली, अगर लोग देखें तो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी दोस्तों। अदरवाइज़ यहाँ एक और चीज़ है कि आप किसी नीचे में गार्ड को बोल दो, ठीक है, और अगर उनको ऐसा कुछ दिखता है, अगर उनको दूसरे लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे फ्लैटमेट्स चाहिए, तो दे विल कॉल यू, ठीक है। ये दो ऑप्शन है जिससे आप फ्लैट ले सकते हैं, जो भी आप अपना डिज़ायर्ड फ्लैट्स चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है आपका राजीव गांधी IT पार्क। ये देखिए इनके एरिया में आ गया है, और जब भी एरिया में ये लोग आते हैं तो ये बस पीछे की वजह से, चल चल, ये देखिए मैंने इसको बचा लिया तो अभी इसको छोड़ता नहीं है और पीछे पीछे जा रहा है, और मैंने इसको बचा के रखा है। मेरी वजह से इसको बाकी कुत्ते जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। तो यही सब है, हमारा टॉमी जो है मैं बैक साइड कैमरा कर दिया हूँ जिससे ये टॉमी दिख गया, ठीक है। तो ये अभी अराउंड मैंने 1 किलोमीटर या फिर 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास मैंने चल लिया है, और ये हमारे साथ ही चल रहा है। हालांकि ये फर्स्ट डे है और ये भी मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता, इनफैक्ट नॉट आई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इतने सारे फ्लैट्स हैं। अब यहाँ खाने की सुविधा के लिए क्या किया जाए, तो सामने में जो है ये जोशी वड़े वाले वेज फास्ट फूड ये रख दिया गया है। तो हमेशा से यही हो रहा है, अगर कभी भी आप अगर फ्लैट्स में मतलब अगर पुणे हिंजेवाड़ी Phase 2 और Phase 3, Phase 1 तो ठीक है दोस्तों, बट Phase 2 और Phase 3 के अगर आप फ्लैट्स लेंगे तो आपको खाने पीने की थोड़ी सी जो है दिक्कत हो सकती है, अगर आप घर पर खाना नहीं बनाते हैं दोस्तों तो इस केस में। और पेट्रोल पंप यहाँ खैर पास में है तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इन लोगों के लिए, बट कितने ही दिन पेट्रोल भरवाएंगे। और ये देखिए जिनके पास थोड़े कम पैसे हैं उनके लिए छोटा सा सेंटर इन लोगों ने खोल के रखा है इस साइड में, साहिल किचन चिकन एंड स्नैक सेंटर। तो यही है दोस्तों कि जो भी इतने बड़े बड़े लोगों ने फ्लैट्स तो बना दिए हैं, बट जो फूडिंग एंड ऑल की फैसिलिटीज़ हैं वो अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाई है। सामने में ही लोग ट्राई करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ खोल लें इन सब एरियाज़ में, तो अभी तक तो नहीं ज़्यादा डेवलप हो पाया। हालांकि ये सारे बिल्डिंग जो है
ये सारे नए ही बने हैं दोस्तों, अभी पुराने नहीं हुए हैं। तो नए इन द सेंस आई थिंक ये 2-3 साल ही हुए हैं, तो शायद धीरे धीरे ये सारा जो इस साइड का जो एरिया है वो सारा फुलफिल हो जाएगा शॉप मार्केट से, ठीक है। और ये हमारा क्यूटी, ये अभी भी चल रहा है और ये आई थिंक पता नहीं कहाँ तक चलेगा, देखते हैं। ये देखिए छोटे छोटे स्टॉल्स जो हैं टी सेंटर एंड ऑल इधर के खोल लिए गए हैं। और ये साइड जो आपको सामने का दिख रहा है TCG, यहाँ से तो कैमरा से नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो है ये TCG एरिया है, ये Phase 3 का एरिया है दोस्तों। तो हम लोग मतलब Phase 2 से जब Phase 3 की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जो सामने का एरिया TCG आपको दिखा रहा है वो है Megapolis से, जो मैं आपको TCG दिखाता था वही है दोस्तों। तो ये मतलब काफ़ी बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड आपको 2-3 किलोमीटर्स पड़ता है, ठीक है ये एरिया। तो आप इस एरिया में जो है आप आ सकते। और ये देखिए अभी भी ये आ रहा है मेरे पीछे, और अराउंड 2-2.5 किलोमीटर हो चुके हैं, और आई थिंक ये सोच के रखा है कि बस इसके ऊपर मॉर्निंग वॉक ही करना है दोस्तों। तो ठीक है, साथ में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं हम लोग इसके साथ। तो पार्क्स अवेलेबल नहीं है Phase 2 से Phase 3 की ओर, ये थोड़ा सा जो है वो सोचने वाली बात है, तो ये भी होना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये जो पेड़ है, पेड़ का जो प्रोसेस है वो आपको 2-3 साल 4 साल जो भी है वो लगता है और आपको छांव देता है। तो ये आप देख सकते हैं Phase 2 से Phase 3 की ओर जो पेड़ है ये रोपा गया था, और ये देखिए रास्ते में ही, और काफ़ी घने हो चुके हैं, काफ़ी डेवलप हो चुका है। और ये छांव एक्चुअली में अभी दे रहे हैं, ये देखिए सुबह के अभी 7 बजे और प्रॉपर छांव दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से मूविंग करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो भी बेहतरीन है दोस्तों। और मैं आ गया हूँ Phase 2 से Phase 3 की ओर, और आपको मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊँगा जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था वो रास्ते की ओर मैं